ଭଗବାନଙ୍କର କେତେ ପାଦ? ମା ଭଗବାନଙ୍କର କେତେ ପାଦ? କେତେଟା? ଦୁଇଟା। ଏଇଥିରେ ଶୁଣୁଛ ରାମଚରିତ ମାନସ, ଭଗବାନଙ୍କର ତିନିଟା ପାଦ। ବଳିଦ୍ୱାରରେ ବାମନ ଅବତାରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ଲାବଲ୍ୟାଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ମାତ୍ରମ ଜଗତ ବସତି ଲେଖମ ପୁସ୍ତକମ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ସ୍କନ୍ଧେ ପବିତ୍ରମ ତ୍ରିଦଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପରି ଚୌତରିୟମ। ବାମନ ଅବତାରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ବଳିଦ୍ୱାରକୁ, ତିନି ପାଦ ଭୂମି ଦାନ ମାଗିନଥିଲେ? ବଳି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ତ ପାଦ ଦୁଇଟା, ତିନି ପାଦ ଭୂମି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ, ଆଉ ପାଦ ଥିଲେ ସିନା ଦାନ ନବ। ପଦ୍ମପାଦ ବାହାରିଲା ନାଭି କମଳରୁ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ପଦ୍ମପାଦ ବାହାରିଲା ନାଭି କମଳରୁ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ବଳିର କଥାରୁ ପୁଣି ଏ କଥା ଶୁଭାରୁ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ବଳି ତିନି ପାଦ ଭୂମି ଯେତେବେଳେ ଦାନ ଦଉଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ତ ଦୁଇ, ତିନି ପାଦ ଭୂମି କ'ଣ ମାଗିଲ? ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ କାହିଁ ତୁମର? ଭଗବାନ ନାଭି କମଳରୁ ଗୋଟେ ପାଦ ବାହାର କରିଦେଲେ, ତା ନାଁ ହଉଛି ପଦ୍ମ ପାଦ, ବ୍ରହ୍ମ ପଦ। ସେଇଟା ସେଇଟା କେବଳ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରଭୁ ରଖିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ତିନିଟା ଗୋଡ଼, ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼। ଭଗବାନଙ୍କର ଏଟା ଗୋଟେ ଅବିଚାର ହେଲାନି? ପ୍ରଭୁ ତମେ ବଡ଼ ଲୋକ ବୋଲିକି ତୁମର ତିନିଟା ମୋର ଦୁଇଟା ନୁହଁ କି କଥାରେ? ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଥରେ ପଚରା ଯାଇଥିଲା, ଓ ବ୍ରହ୍ମା ନା ଓ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ କହୁଛି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଥରେ ପଚରା ଗଲା, ଓ ବ୍ରହ୍ମା ନା ଓ, ଆପଣମାନେ କଥା କଥାକୁ ଓ କହନ୍ତିନି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ କହୁଛି। ତମେ ଆଗରେ ଦୁଇଟା ଆଖି ଦେଲ ନା ଠିକ ଅଛି, ପଛରେ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା? ବ୍ରହ୍ମା ହସିଲେ, ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମରେ ଦିଟା ଆଖି ଆମର, ତିନିଟା ଆଖି ଆଉ ଜଣଙ୍କର, କାହାର କଣ ତିନିଟା ଆଖି? ତିନିଟା ଆଖି କାହାର? ଶିବଙ୍କର। ଆଉ ତିନିଟା ଆଖି ନଡ଼ିଆର, ଆଉ ତିନିଟା ଆଖି କାହାର ନା? ସୃଷ୍ଟି ବଡ ବିଚିତ୍ର ଆଜ୍ଞା, ଏ ବିଚିତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଏ ବିଚିତ୍ର ଦୁନିଆ ଆଜ୍ଞା। କଇଁଷ ରୂପରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର ପଦସେବା କରୁଛି, ଠାକୁରେ ଆପଣ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ମୁଁ ସତ୍ୟ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ମୁଁ ଗୁହାରି କରୁଛି, ଆପଣ ଏ ପ୍ରାଣକୁ ମୋର ମୁକ୍ତି ଦେବେ, ମୁକ୍ତି ଦେବେ, ମୁକ୍ତି ଦେବେ। ହେ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁ, କଇଁଛ ନିବେଦନ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଅଜ୍ଞାନ କୋଟି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନ
आत्मसमर्पण भाव रे काय मन वाक्य को समर्पित करी प्रभु कर से ब्रह्म पद को टिके छुई देला भगवान ने विश्व चिंता मणि हरि कहले जा रे धीवर तू सही धीवर है कि तैया लुगा थी आइ तू सही गंगा नदी कुल रे मु जिबी तुम पाद धोई दबो आज पाद धोई दै छी आपण मान सुनुचंती धीवर प्रसंग के सुंदर केते महान कथा लक्ष्मण थी आइ जी धीवर एति बेले उत्तर देला कला हे लक्ष्मण जानिचो तुम घर को जाई थी तमे जो अपमान दै छ से दिन सापरा फणा टेकी की से कथा कोन मु भूली जाई छी आ मु जदी चाहि थांदी आज गंगा नदी रे अपमान रे प्रतिशोध नै थांदी किंतु मु आपन घर अपमान रे प्रतिशोध नै नै आपन को क्षमा दै छी कातरे बाड़ेई डंगा उल्टे दे थाली मु कई बार तधि बर मु पहरा जानि तमे बुड़ी की मर थान केवल मो प्रभु राम आसन बोल की तमको क्षमा देली नले से अपमानटा एही पूर्ण कर दे थान आ कथा से या नो गया हमें बेले बेले कहंती भाई नहीं पड़ी थी जते बेले विधाय पकाई भी सत की बेले किंतु से कथा करिने दि बर क्षमा दे छी जाहु भगवान मर्यादा पुरुष राम गंगा नदी पार हे मंत्री सुमंत्र सांगरे अनेक पथ अतिक्रम कर पुण्य धाम रे एक पवित्र धाम रे कोर से जगह आ गया मुनि बटु चारि संगत बलि ने श्री राम जय राम जय जय राम चिन्ह बहु जनम सुकृत सबके ऋषि भरद्वाज आश्रम भगवान राम आसी पहुंची गले ऋषि भरद्वाज प्रणाम भरद्वाज प्रणाम मा गुरुजन को प्रणाम करिबा लघुजन रो कोन कर्तव्य नुह कर्तव्य ना करूच प्रणाम करूच मते नुह मु मते कहुने प्रणाम कहा कुआर जाए गुरुजन के ही पास को आसीले उठिबो तेजी आसन उच्चा आसन दे बंदी सबिनय करिबो मृत्यु भाषण जने गुरुजन आम घर को आसीले आमे आसन रो उठि जाय ताको नमस्कार करंती भाई कथा रे नुह किंतु आजिकल जो पिला तांको कथा न कह न कहिले भलो आजिकल जो कथा तांको न कहिले भलो गुरु भरद्वाज गुरु भरद्वाज तांको गुरु पद दिया जाय छी भरद्वाज जन साधारण ऋषि नुह भगवान राम तांको प्रणाम कर प्रणाम करी टिके आशीर्वाद चाहिले कल्याण चाहिले गुरुदेव आपण कल्याण करंतु हे तपधन आपण कल्याण करंतु इथुर कोन आमे सिखिले ए कथारु कोन आमे जानिले अच्छा आपण जतले पाठ पढ़ के बड़ मनुष्य हले चाकरी कले आपण जिलापाल हे जाई छथि कलेक्टर जो गुरु पाठ पढ़े कि आपण एते बड़ आसन दै छी एते बड़ उपाधि दै छी से गुरु दिने बूढ़ा हे जाईथिबे दांड द्वार रे ठिया हेथिबे कि गां दांड रे आशावाड़ी खण धर कि नई नई चालुथिबे कलेक्टर शिष्य आउछि गाड़ी रे आगर लेखा जाई छी जिलापाल पुरी शिष्य होछि कलेक्टर गुरु हो जन दिन हिना गरीब आ गया केते टका दरमार चाटा साड़ी ते पाठ पढ़ी थिले अंटा नई जाई छी आखि के देखा जाउ नै गुरु आशावाड़ी खण धर गां दांड नई नई आछन्दि कलेक्टर शिष्य कोन करिवो गाड़ी रु ओल्हैबो ना पळैबो मा कोन करिवो ओल्हैबो ओल्हौ चंदी आज कलि आउ केमिति आपन को सशास्त्र कह देले ओल्हैबो हमसे दादा कोई नै मु जिलापाल मत सब लोग जुआर हूँ ये बुढ़ाटा किए नमस्कार कर सम्मान पड़ेब एठी मालिकार लिखाई भूली जाए शिष्य गुरु को पाठ पढ़ा सर भूली जाए पिता माता को विवाह भूल कहले ठीक भूली जाए शिष्य गुरु को पाठ पढ़ा सर एक भाई सत पाठ पढ़ा सर सारे सर बुढ़ा कम कौन बलद हड़ा बोल से कुटा खाइब नहीं बलद चाष कर परिवार पोषि बलद हड़ा बोली से कुटा खाइब नहीं
बाप बुढ़ा है गला से दांड द्वारे बसिबो भूली जाए बाटो बाटोई तारो बाटो सरीले भूली जाए मो मामा ने ए जो पदटा आपन मान को सुनैली भाई पुआ कथा मानु थुआ सब भलो गुण तार थिबो बाहा नहला पंद पुआ भलो पुआ जे पर्यंत बाहा हि नै भलो बाहा घर अष्टमंगुली वासी पुआ मन परिवर्तन भाई जो पुला सब एबे नुवा को बाहा हिचन मत मो पर रागिबे नै काले रागिबे बले वक्ता कांगे अमरी आडू कथा देखे कि कहउचंदी मु कोन आपन लागले कहउच मु कोन आपन घर कथा कहउच ना मो घर कथा कहउच सारा दुनिया रा कथा जीवन रे बाप मा को काई भूलिबो नै गुरु को काई भूलिबो नै पाठ पडा सरी जाऊ अबा थाऊ भूली जाए बाटोई बाटो चला सरीले बाटो चला सरी गला परे बाटो जहार मन न रे ना ताको वास्तव रे बाटोई कोन दिनी पथरे पथिक कोन दिनी भूली जीवटा मनुष्य कर्तव्य नहीं आजि गुरु भरद्वाज जंग आश्रम रे दिन परे दिन आज्ञा काटिले प्रभु रामचंद्र किछि दिन परे गोटी आश्रम त प्रभु रही परिबे नै ठीके आगु का आज्ञा पाद पकेले केउ जगह रे पहुचले सरने सरज बीत पवन फूले गुंज श्रोता मंडली ऋषि वाल्मीकि का आश्रम रे दिन आगे रही गेल ऋषि वाल्मीकि महात्मा वाल्मीकि महामुनि वाल्मीकि महागुरु वाल्मीकि महाज्ञानी वाल्मीकि दिव्यात्मा वाल्मीकि पुण्यात्मा वाल्मीकि जे दिन दस रचना करथिले वाल्मीकि हे गेले वाल्मीकि ऋषि का आश्रम रे प्रभु राम आ लक्ष्मण सीता दिन काटिले आगे किछि दिन रहिले वाल्मीकि ऋषि का आश्रम रे राति जेमिति पाही गला वाल्मीकि कहले कहले राम ना गुरुदेव कहंतु इठी आउ केते दिन रहिबो ना आज्ञा एबे जिवार सममर हे गलानी पा आपण मते मेलानी दतु मु टिक आगु को जिवि जाओ ओटे पवित्र स्थान अछि सेई जगह रे तम रहिबो आशीर्वाद ढाली देले आज्ञा मुनि वाल्मीकि मुनि कहो राम दंडवत तिनि सरकार की जय जननंदिनी मां वही रही सीता ठाकुरानी की जय लक्ष्मण लाल जी की जय समस्त भक्त वृंद की जय अनुष्ठान मंगल हेउ की जय आनंद कवा हरिबो आज्ञा वाल्मीकि ऋषिंकर तपोवन रे एक आश्चर्य जिनस भगवान राम आज्ञा देखि देखि जाउचंदी कौन आश्चर्य अहिंसार तपोवन बायस कौशिक मेले गोविंद बसी अछंती एक डाले गोविंद 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 पदु गलु छि मकरंद गोविंद बायस कौशिक मेले बसी अछंती एक डाले बायस बायस कहले काऊ कौशिक कहले के पेचा काऊ पेचा गोटे डाल रहि परिबे काऊ आउ पेचा गोटे डाल रे के रहि छन देखि छन आपन माने के काऊ पेचा रो शत्रु चरै परिबो ने किंतु ये जगह रे ये पवित्र तपोवन रे भगवान राम देखिले काऊ डाल रे पेचा साप पाखरे मयूर अहिंसार तपोवन सिंह पाखरे हाथी छुआ समस्त आनंद रे गोटिए जगह रे अछन लीला खेला करछन प्रवचन आरंभ रु शेष पर्यंत सब बेले आपन मान को मु कहि रखे
जे जीवन रे हिंसा को वर्जन करिछ अहंकार को वर्जन करिछ भगवान तार सब बेले मंगल कामना करंती जे सब बेले प्रतिहिंसा परायण हुए अन्य प्रति लोलुप दृष्टि आकर्षण करे अन्य को खालर पके चेष्टा करे अन्यर मंद चिंता करे अन्यर अनिष्ट कामना करे धर्म दरबार से क्षमा पाइबो नै क्षमा पाइबो नै क्षमा पाइबो नै ज्ञान काहे जानिछंती भागवत लिखाई छ जे प्राणी परे हिंसा करे नरके कर्णपात कर शुणुंट आपखलित भाव में बहुत संख्यार बसंट मु चीर कृतार्थ आप आते मुहूर्त पर आम कार्य सरीज आंटाटे समय आपत समय धर्ज धरी बस समय कार्य चलो सज्जन वृंद मोर आज्ञा मान विद्रोता मंडल समस्त मोर आचार्य मंडली भगवान राम बाल्मीकि तपवन सब दृश्य देखी देखी पाद आग को पकड़े बाल्मीकि गला बेले कहले कहले राम गोटे पवित्र पीठ रे तमे रहइबो केउं जागा रहइबो नदी पुनीत पुरान बखानी अति प्रिया निज तप बलानी राम सिया राम सिया राम जय से पवित्र नदी कूल गोटे ऋषि आश्रम माँ से ऋषि किए अत्रि ऋषि स्त्री ना हूँ अनुसया अनुसया ये पवित्र आश्रम प्रभु राम सानुज लक्ष्मण जनक नंदिनी माँ बैदे सीता ठाकुराणी जा आश्रय ने अत्रि ऋषि आदर रखिली गोटाए रात रही अच्छा माँ आपण मान तो रामचरित मानस शुणी आगुरु एवं भी शुणु भगवान राम जो प्रभात कालीन अवकाश में बाहर अति ऋषि आश्रम विदा ने स्त्री अनुसया सीता कौन दे कौन दे देखिया कि मन रखुना मन रखना बंधुवर को आसने जमी व्यवहार देवा पड़े अनुसया माँ डाकिले कले सीते तुम झी मु तर माँ चौदह वर्ष जंगल को आसी खंडिये साड़ी पिंधिक आसी खंडिये साड़ी कौन चौदह वर्ष चली हब मु तमी गोटे वस्त्र देवी चौदह वर्ष से केवे मली हब नहीं से कलंकित हब नहीं से अपवित्र हब नहीं ता ना हूँ अम्लान वस्त्र अम्लान वस्त्र देते अत्रि ऋषि धर्म पत्नी अनुसया माँ कहले जा चौदह वर्ष पाई तू अपवित्र हबुन अपवित्र हेनी आज्ञा से साड़ी खंडक से वस्त्र खंडक ता ना हूँ अम्लान वस्त्र सारा सृष्टि रे जेते नारी ये वस्त्र कई परिधान करना एकमात्र सीता पिंधिले अत्रि ऋषि आश्रम रु आनी अम्लान वस्त्र अधिकारी होती जनक नंदिनी माँ बैदे सीता ठाकुराणी माँ सीता गोटे ना हूँ जोजन गंधा टी आगे कह समय कह सीता छा ना कौन कौन जानते बैदेही मैथिली जानकी पार्थिवी जोजन गंधा सीता सीता छा ना सीता कहीं छा ना कहले शाशु घरे गोटे ना बाप घरे गोटे ना झीर तो दीटा ना ना बाप घर गोटे ना थी बाहर शाशु घर गोटे ना दिखती ना तो है दीटा सीता कौन छा मान कौन बड़ घर बो ना आउ कौन ना आपण माने कौन भावुचंती बड़ घर बो बोली त छटा ना दिहाई छी ना तार मर्म अछि तार तात्विक कथा अछि
ଆପଣମାନଙ୍କର ମହାନାଟକରେ ଲେଖା ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟେଶୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କର୍ଣ୍ଣେଶୁ ଦାସୀ ଭଜନେଶୁ ମାତା ଶୟନେ ଚରମ୍ଭା କଳାଶୁ ଶିଷ୍ୟା କ୍ଷମାୟା ଧରିତ୍ରୀ ସା ଲକ୍ଷଣା ସା ପ୍ରିୟାମେ ଆଜ୍ଞା କାମରୁ ନାମ ନା ନାମରୁ କ'ଣ କାମ କାମରୁ ନାମ ଛଅଟା ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା ବୋଲି ସୀତାଙ୍କର ଛଅଟା ନାଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟେଶୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କର୍ଣ୍ଣେଶୁ ଦାସୀ ଭଜନେଶୁ ମାତା ଶୟନେ ଚରମ୍ଭା କଳାଶୁ ଶିଷ୍ୟା କ୍ଷମାୟା ଧରିତ୍ରୀ ଆଚ୍ଛା ମା ଆପଣମାନେ ସବୁ ସିନ୍ଦୁର ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଜାଗାରେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସିନ୍ଦୁର କେତେ ଜାଗାରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜାଗା କହିବ ଆଉ କ'ଣ ଥରେ କି କହିବା କଥା ଆଉ କହିବି ଆଗକୁ କହିବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଟିକେ ବସିଥାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମା ଅନୁସୟା ଆଦର ସହକାରେ ମା ସୀତା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ରଟିଏ ଦାନ ଦେଇ ଆଦର ସହକାରେ ବିଦା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ରାମ ମା ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁ କହିଲେ ବିଦ୍ୟା ଆଉ ବିନୟର ମଧୁର ମିଳନ ମଧୁର ମିଳନେ ଯେହୁ ମାଣିକ୍ୟ କାଞ୍ଚନ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ସଙ୍କଟ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜ୍ଞା ବିଦ୍ୟା ଆଉ ବିନୟର ମଧୁର ମିଳନ ଜଗତର ମା ସୀତା ଭଗବାନ ରାମ ଅନୁସୟା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଅତିଶୀ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁ କହିଲେ ବିଦ୍ୟା ହଉଛି ବିନୟର ଭୂଷଣ ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ସମ୍ପନ୍ନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗବି ହସ୍ତିନୀ ସୁନିଚୟବା ସୋପା କେଚ ପଣ୍ଡିତ ସମଦର୍ଶିନା ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଲେଖା ହେଇଛି ପଛକରେ ପଣ୍ଡିତ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଯାହାର ବିନୟ ଭାବ ଥାଏ ସଂସାରକୁ ଯେ ସମନ୍ୱୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ ସଂସାରକୁ ଯେ ଭେଦଭାବ ନ କରେ ସଂସାରକୁ ଯେ ହୀନ ମନେ ନ କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ ସପନ କୋଟି ଜୀବ ଜଗତକୁ ଯେ ଆଦରରେ କୋଳେଇ ନିଏ ଜଗତରେ ତାକୁ କହନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଯଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସପଣ୍ଡିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରୁ ଚଣ୍ଡାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ଆଦର କରେ ଭଲ ପାଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ଜଗତ ପଣ୍ଡିତ ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ବିନୟ ନଥିଲେ ସେ ବିଦ୍ୟାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ କରି ସୀତା ଚାଲିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଉଛନ୍ତି ସୀତା ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମ ଯାଉଛନ୍ତି ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁମନ୍ତ୍ର କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଦିନ ଆସିଲେ ଯିବାକୁ ମୋର ମନ ବଳୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ପବିତ୍ର ପୁରୁଷକୁ ଛାଡି ଦେଇ ଯିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଆପଣ ମୋ କଥା ରଖିବେ ରାମ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀବର କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୁମିତ୍ର ବିକଳ ଦୁଃଖ ରଘୁବୀର ବିହାର ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ଜୟ ହନୁମାନ ରହିନ ତହ ଅଧମ ଶରୀର ଅନ୍ତରରେ କୋମଳ ହୃଦୟରେ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ସୁମନ୍ତ୍ର ଆହ୍ୱାନ କଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମୁଣ୍ଡ ରହିଲେ ସିନା ତୁଣ୍ଡ କହିବ ନା କୁହ ମନ୍ତ୍ରୀବର ଆପଣଙ୍କ କଥା ରକ୍ଷା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କଥା ରକ୍ଷା ହେଲା ଆପଣ ଏବେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ବିଦଗ୍ଧ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ ମୋ ମା ମାନେ ଯେତେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁମନ୍ତ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଯିବାକୁ କହିଦେଲା ବେଳେ ଛଳ ଛଳ ଡରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଟିକେ କାନ୍ଦି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ପବିତ୍ର ଯୋଗ୍ୟତମ ସନ୍ତାନ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପିତା
से होते दशरथ से मते 14 वर्ष पई जंगल को पठे देई चंती निजर सत्य रक्षा करबा सु मंत्र आपण जानि चंती थरे तुंडरु कथा बाहरी गले से आउ फेरे ना गच्छरु थरे पत्र तळे पड़ी गले आउ गच्छरे लागे ना धनुरु सर थरे चली गले आउ छि आसे ना बही गला पानी आउ केबे नदी की फेरी आसे ना गच्छरु मंत्र बही गला नई के बे वही गला नदी पानी आओ के आसे ना फेरी मंत्री बड़ो जीवन अधे पाप अधे पुण्य खाली हाथे आसी जीवा खाली जीवी फेरी पत्र जोड़े प्रभु राम मंत्री श्रीमंत्र को प्रणाम करे चले मंत्री बना आउ काई से अजथा कथा मते मने पकई दउ छ काई के से अजथा सुख को मते फेरे जे चेष्टा करु छ से अजथा सुख को भूली जाई छ पिता कर सत्य रक्षा करबा को मो आत्मा को मो जड़ान जड़ी दै छ सूर्य वंश रा प्रतीक होई सूर्य वंश रा कृति की अम्लान रखिबा को मु प्रतिश्रुति मत आउ थारे मते अजन कथा मने पकेबनी राम आपन को पाखे मोर इतिके अली मो बापा दशरथ मो मां कौशल्या कहि केहि सुमित्रा समस्त को मोर अंतर रा भूमिष्ठ प्रणाम जणैबो जणैदबो जणैदबो प्रणाम समस्त गुरुजन को प्रणाम कर से जंगल प्रणाम एमा केड़े बड़ा शांति सुस्तार कथाई पिता दशरथ माता कौशल्या कोई के सुमित्रा को कृतांजलि पुत्र भगवान राम आज प्रणाम करती मंत्री बड़े सक
जणै दबो खबर कहि दबो राम भले रे अछि लक्ष्मण भले रे अछन्ति सीता भी भले रे अछन्ति हम दुख कहा करे जणै बना हम विषाद रे कथा का करे प्रकाश करिबो ना ये जंगल रे कसड़ कहा मंत्री सुमंत्र विदा नौ प्रभु राम राम को आखिर मंत्री बार आखिर लुह पचि हाथ जोड़ की विदा ने कह प्रभु मुझे अयोध्यारे आपण को पथ चाह रही से मा मान कोमल हृदय को बुझे केमी सांत्वना दे पार दिन दुखित सब माता श्री राम जय राम जय जय राम तीन श्रोता मंडली मोर मा मान मोर सुज्ञ जने मंत्री सुमंत्र पाद आग को पकला बेले आखिर लुह पछ को चाहिए सुमंत्र सुमंत्र पाद अटकी जा राम चाहते जाओ मंत्री बर इतकी बेले मंत्री सुमंत्र भाविले दुखने मा मान को कौन कही बुझे तीन टा मा तुम प्रभु मा बाट चाह बस पुह कत आस मुमी बुझे भावी मंत्री सुमंत्र आज्ञा जाई पहुंची गले रथ भाई से पवित्र पुण्य धाम अयोध्या दासी नदीखा भगवान प्रभु रामचंद्र की आनंद समस्त मोर मातृकल्पा भगिनी कल्पा समस्त मोर माँ भौणी ज्ञानी पंडित आज्ञा मान विदग्ध श्रोता मंडली मंत्री सुमंत्र यही दुखर भार को मुंडे अयोध्या को फेरी दर्शक बंधु केमिति लागिला आपनको हम प्रोग्राम टी एहरा मतामत दियंतु लाइक करंतु शेयर भी करंतु आज्ञा हां सब्सक्राइब करियो को भूलिबेन रहूची नमस्कार।